हैप्पी दिवाली। जो शाम का इंतजार था दिवाली का, वो समय आ गया है और सभी बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इसी समय का बच्चों को इंतजार रहता है। और हर पर्व त्योहार में, खास करके पर्व त्योहार बच्चों के लिए ही होता है और उन लोग त्योहार में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। तो शाम हो चुका है और सभी जगह पटाखे की आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए अब हम लोग भी पटाखे जलाते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है, ये पटाखा है। इसको हम लोग झारखंड में इसको छुरछुरिया बोलते हैं। बच्चे लोग, खास करके बच्चों के लिए ही ये रहता है। बड़ा पटाखे जो होता है उसमें बच्चों को जलाने में डर लगता है, वो डरते हैं इसीलिए जलाते नहीं हैं। तो बस इतना ही बचा हुआ है, सब बच्चे लोग इसको खत्म कर चुके हैं। बाबू इधर आओ, ये देखिए, ये लोग मिलके खत्म किए हैं सारे छुरछुरिया जो है। अभी सिर्फ दो ही ठो बचा हुआ है। अब जो है इन लोग को और दूसरा कोई पटाखा है, तुम इधर आ रहे। अब जो पटाखा बचा हुआ है वो है ये पटाखा, और इसको झारखंड में हम लोग बोलते हैं मिर्चा पटाखा। आप लोग भी शायद मिर्चा पटाखा ही बोलते होंगे। तो इसको कौन फोड़ेगा? तुम फोड़ेगा बाबू? देखिए ये बोल रहा है कि ये फोड़ेगा, लेकिन अब ये काफी छोटा है, इसको थोड़ा सा सामने रख के इसको जलाने के लिए देना होगा। तुम फोड़ेगी इसको? नहीं, इसको काफी डर लगता है, ये पटाखा जलाती नहीं है, बहुत कम जलाती है, छुरछुरिया जलाती है। तो चलिए इसको अब हम लोग फोड़ते हैं। कैसे फोड़े? यहाँ पे नहीं, चलो हाथ, इसको हाथों में फोड़ते हैं। हाथों में फोड़ते हैं, सुई से उड़ाते हैं। अक्सर लोग आतिशबाजी करते हैं पटाखों के साथ, तो चलिए इसको हम लोग हाथों में फोड़ के देखते हैं क्या होता है। तो आतिशबाजी करना नहीं है, मैं हाथों में फोड़ने की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं हाथों में फोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए इसको बाहर फोड़ते हैं। इसको कोई जो उपाय लगा के फोड़ा जाता है वैसे फोड़ना है, क्योंकि हाथों में फोड़ने से आपको चोट लग सकता है या घायल हो सकते हैं। ये कोई आतिशबाजी नहीं, खास करके दिवाली में पटाखों से बिल्कुल भी मजाक नहीं करना है। चलिए बाहर चलते हैं। बाहर फोड़िए। अब मैं इस पटाखे को फोड़ने वाला हूँ और सभी बच्चे अभी छुप चुके हैं अंदर में। तो चलिए इसको जलाते हैं। अरे वाह, ये देखिए, इस तरह से आपको हाथों में नहीं जलाना है, उसको फेंक देना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।